तो हेलो गाइस, ये हमारा एनएसएस का ग्रुप है और हमारा ये कैंप चल रहा है एक दिवसीय वाला। इसका आज तीसरा दिन है। तो ये भाई, हमारे भाई, क्या नाम है आपका? संदीप यादव। तो भाई, क्या रिव्यू देना चाहेंगे आप एनएसएस में? हमने बहुत सारी जगह गए, यहाँ पे हमने खुर्रम घाटिया में देखा है, यहाँ पर बहुत सारे विद्यालय जो भी था वहाँ पे गंदगी ज़्यादा है, उसको हमने आज कराने के लिए आज जा रहे हैं। नगर निगम जाएंगे, वहाँ पे देखते हैं क्या होगा। जी धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तो आइए, आपको मिलाते हैं हम अपने दूसरे मित्रों से। भाई, क्या नाम है आपका? राम बाबू। तो क्या आप कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहेंगे एनएसएस के बारे में? जी सर, बताइए सर। तो मतलब आपको कैसा लगा साथ में घूमते हुए, किसी गांव में गए, क्या क्या अच्छा लगा? खुर्रम घाटिया गए थे। जी जी। और वहाँ क्या किया आप लोगों ने? मतलब वहाँ लोगों को बताया कि साफ सफाई रखें और जागरूक किया, ऐसा सब कुछ। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। और ये है हमारे और भी क्रू, मतलब ये अन्य सदस्य हैं। भाई, कुछ बताना चाहेंगे एनएसएस के बारे में, कहाँ कहाँ गए और क्या क्या किया आप लोगों ने? हमने खुर्रम घाटिया में वो लोगों की समस्याएं पूछी थी जी, और वो उनका वो निस्तारण करने के लिए उनको ये वादा करा था कि वो हम उनकी समस्याओं का वो निदान कर सकें। थैंक, धन्यवाद भाई, थैंक यू। तो देख रहे हैं आप लोग कि हम लोगों की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए लगातार प्रयास रहते हैं। तो जैसा कि आज हमें पता चला है कि हमें आज नगर निगम बरेली जाना है, जहाँ पे हमें मतदान के लिए जागरूकता रैली निकालनी है। और अभी हमारी जो साथीगण हैं वो सब एकत्रित हो रहे हैं रक्षा अध्ययन के सामने पार्क, जो कि हमारा मैदान है, बड़ा वाला मैदान वहाँ पे। और साथ में हम लोग आज नगर आयुक्त को एक लिखित पत्र देंगे, उसमें हम बताएंगे कि ये जो खुर्रम घाटिया का लेबल इतना गिरा हुआ है और गंदगी है, तो उसके बारे में कुछ अच्छा किया जाए, वहाँ का साफ सफाई करी जाए और प्राथमिक विद्यालय में बहुत ही असुविधाएं हैं, वहाँ सुविधाएं प्रदान की जाएं। तो बस भाई, ये भाई हैं, मिलते हैं फिर अभी थोड़ी देर में जब सभी इकट्ठे होते हैं। मातरम, मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे बहुत धीरे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, बढ़कर हिंदुस्तान से हम भारत के, भारत के लेते शेरों की संतान से, हम भारत के, भारत के लेते शेरों की संतान से, हम भारत के, भारत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान। आज हमारा तीसरे दिन का कैंप है और आज हम मतदान जागरूकता अभियान राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा मतदान करने के लिए आह्वान करेंगे। सब लोग बैठ जाओ। तो किसी को ये चीज़, इस चीज़ का इल्म है या जानकारी है कि हम अगर वोट नहीं देंगे या हमारा एक वोट सही जगह पर नहीं पहुंचता है तो हम पूरी तरीके से, हम ये कहने के हकदार नहीं होते कि इस देश में कुछ गलत हो रहा है या सही हो रहा है। यानी आप एक जिम्मेदार नागरिक नहीं होते हो, जिम्मेदार नागरिक होते हैं। हमारी सीमा अनलिमिटेड है, अनंत है ना। हम कहीं पर भी अपनी ज्ञान की बातें, कहीं पर भी ये जागरूकता की बातें, किसी भी तरीके का कोई भी सेवा का कार्य हो वो हमारे द्वारा करना ही करना है।
ये आपके अनिवार्य जैसे विषय होता है ना, हम कोई विषय अनिवार्य रूप से पढ़ते ही। अब आपकी बात आती है कैरियर, अरे इसमें देखते हैं नॉर्मल लोग हैं स्तर पर। तहसीलदार और एसडीएम जो है कार्यक्रम का संचालन करते हैं, उसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों को बुलाया जाता है और उन्हें मतदान से संबंधित जानकारी दी जाती है। इस दिन बताया जाता है कि आप अपने मतदान का प्रयोग जो अपने मत का प्रयोग जो स्वतंत्र रूप से करें, किसी के दबाव में ना करें। कोई भी आप पे अगर दबाव बन लाइन में लगा भाई, लाइन में लग जाओ। शपथ लेते हैं हम सब की है हिस्सेदारी, हम सब की है जिम्मेदारी। हाँ ठीक बोल, जय जय। इसमें बोल, इसमें जनगण की है यही पुकार। अरे वोट पे, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। आधी रोटी खाएंगे, मतदान करने जाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, मतदान करने जाएंगे। रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। उम्र धारा पूरी है, लोकतंत्र में हिस्सेदारी, हम सबकी है जिम्मेदारी, लोकतंत्र में हिस्सेदारी। अरे यार क्या हो गया, हम जाएंगे। कॉलेज से निकले हैं रैली में और रैली लेके हम जा रहे हैं लोकायुक्त से मिलने, मतदान के लिए रैली निकल रही है हमारी। हम सबने ठाना है मतदान करने जाना है, 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 अपनी ही सरकार है, वोट देना अधिकार है। निकल कर आ गए हैं नगर निगम के सामने। कॉलेज आ गए और नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंप रखा है।